प्रकाश, आज फिर तुम कबाड़ उठा लाए। कितनी बार तुम्हें कहा है कि पैसे बचाओ जिससे हमारा भविष्य अच्छा गुजरे, पर तुम हर बार कुछ ना कुछ खरीद लाते हो। खींचती हुई पायल ने कहा तो प्रकाश उसे मनाने में लग गया। प्रकाश को पुरानी चीजों को जमा करने का शौक था। वो पहले भी कई पुरानी चीजें घर ला चुका था। पायल को यह पसंद नहीं था, पर प्रकाश की खुशी के कारण वो शांत हो जाती थी। पर आज तो प्रकाश ने हद ही कर दी। आज सुबह सुबह उसने काफी पैसे देकर एक पुराना कैमरा खरीदा। पायल गुस्से में थी, पर प्रकाश के बार बार मनाने और प्रकाश के ये वादा करने पर कि वो इसे दुकानदार को वापस कर देगा, तब जाकर पायल शांत हुई। आज रविवार होने के कारण दिन भर प्रकाश कैमरे में ही लगा रहा। किसी छोटे बच्चे की तरह वो कैमरे को हमेशा अपने साथ ही रखता। पायल ने किसी तरह शाम को प्रकाश को लेकर कबाड़ वाले की दुकान पर गई। कबाड़ वाला ऊपर से तो मुस्कुरा रहा था, पर अंदर से उसकी डर से हालत खराब थी। उसने कैमरा वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। पायल ने बहुत बहस किया, पर कबाड़ वाला अपनी जिद पर अड़ा रहा। हार कर पायल प्रकाश को डांटती हुई वापस घर की तरफ चल दी। कबाड़ वाला राहत की सांस ले रहा था। उसे वो दिन याद आने लगा जब एक इंसान उसके पास ये कैमरा रख कर गया था। कबाड़ वाले से उसने पैसे भी नहीं लिए थे, बस कैमरा दिया और जल्दबाजी में चलता गया। वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान था, पर कबाड़ वाला मुफ्त में मिले कैमरे की खुशी में सब नजरअंदाज कर दिया। कैमरा लेकर कबाड़ वाला बहुत खुश होकर घर आ गया था, पर उस दिन के बाद से वो चैन से जी नहीं सका। रात में घर में किसी का चलना और कैमरे का अपनी जगह खुद से बदलना अब तो ये आम बात हो गई थी। उसका बच्चा तो कैमरे को हमेशा अपने साथ रखता था। कैमरे के लिए बच्चे का लगाव देखकर जब उसने एक दिन अपने बच्चे की तस्वीर कैमरे से ली, तब से उसका बच्चा गायब हो गया। तब से उसे किसी बुरी शक्ति का उसके घर में होने का एहसास हुआ। उसने कैमरे को अपने दुकान में बेचने के लिए रख दिया। प्रकाश उसका पुराना खरीदार था, तो उसने प्रकाश को कैमरा देकर उसकी कई खूबियां बताई और काफी पैसे लेकर कैमरा बेच दिया। प्रकाश का व्यवहार दिन भर दिन बदलता जा रहा था। अब वो ज्यादा समय कैमरे के साथ बिताना पसंद करने लगा। पायल कितना भी रोकती, पर प्रकाश बच्चों की तरह जिद करने लगता। पायल ने सोचा कि कुछ दिन रखने देती हूँ, जैसे ही कैमरे से लगाव खत्म होगा वो सही हो जाएगा। पर दिन के बाद महीने निकल गए, लेकिन प्रकाश का लगाव कैमरे के लिए बढ़ता गया। हार कर पायल ने एक रात प्रकाश के सोने के बाद कैमरे को लेकर कूड़े में फेंक दिया। प्रकाश ने सुबह उठकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। पायल ने उसे लाख समझाया, पर प्रकाश रोता रहा। पायल थक हार कर कैमरा लेने बाहर जाने लगी तो दरवाजे पर उसे कैमरा रखा मिला। प्रकाश ने पायल के उठाने से पहले ही झटक कर कैमरा उठाया। अब प्रकाश कैमरे को और संभाल कर अपने पास रखता। प्रकाश की हालत बदतर होती जा रही थी। पायल ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रकाश को हुआ क्या है। अब घर में कुछ घटनाएं भी बढ़ गई थीं। रात में किसी के चलने की आवाज पायल को आती, पर कोई दिखता नहीं। एक रात पायल सो रही थी, तभी प्रकाश के करवट लेने से उसकी नींद खुली तो सामने एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखों के पुतलियां सफेद थी, पायल को गुस्से से घूर रही थी। पायल चिल्लाना तो चाहती थी, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। कुछ देर में वो औरत प्रकाश के पास रखे कैमरे को छूकर चली गई। पायल की तो नींद खराब हो गई। अब पायल को उस घर में डर लगने लगा था।
प्रकाश की हालत और खराब होने लगी थी। अब प्रकाश कैमरे को देखकर उससे बातें करने लगा। जब भी पायल कुछ बोलती तो वो गुस्से से चिल्ला उठता। एक दिन प्रकाश बड़े प्यार से पायल को अपनी एक तस्वीर कैमरे में लेने के लिए बोला। प्रकाश, जो इतने दिनों तक पायल से एक शब्द भी प्यार से नहीं बोला था, वो अचानक ऐसे बोला तो पायल ने बड़े प्यार से उसकी तस्वीर ली। रात में प्रकाश पायल के पास ही सो रहा था। अचानक रात में पायल को महसूस हुआ कि प्रकाश बिस्तर पर नहीं है। घर में ढूंढने पर भी प्रकाश नहीं मिला। तब तक सुबह हो चुकी थी तो पायल ने आस पड़ोस में भी पूछा, पर प्रकाश का कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी कुछ पता नहीं कर पाई। पायल दुखी से रो रहे थे, तभी उसकी नजर कैमरे पर गई। पायल कैमरा लेकर कबाड़ वाले के पास गई। सख्ती से पूछने पर उसने सब कुछ पायल को बता दिया, पर पायल ये सब बात किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता। कबाड़ वाले ने भी कैमरा लेने से साफ इनकार कर दिया। तब पायल ने कैमरा लेकर एक बड़े से कूड़े के ढेर में फेंक दिया। कुछ दिनों बाद अरमान को रास्ते में जाते वक्त सड़क पर एक बहुत सुंदर और पुराना कैमरा रखा मिला। पूछने पर किसी ने भी उसे अपना नहीं बताया, तो अरमान कैमरा घर लेकर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घर से निकाल दिए जाने के बाद मैं शहर आ गया। शहर में कई जगहों पर भटकने के बाद मुझे काम तो मिल गया, मगर रहने के लिए कोई घर नहीं मिल रहा था। मगर ये परेशानी भी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं। बहुत जद्दोजहद करने के बाद मुझे रहने के लिए कम भाड़े में एक घर मिल गया। घर मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। वो दो मंजिला इमारत थी। नीचे वाले फ्लोर में एक बड़ा सा हॉल और एक कमरा था। बाकी तीन कमरे ऊपर वाले फ्लोर पर थे। घर की देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर भी था। कुल मिलाकर उस घर को डाक बंगला बोलना गलत नहीं होगा। मगर एक चीज बहुत अजीब थी। उस घर के बगान में एक कब्र बना हुआ था और उस घर के आसपास दूसरा और कोई घर नहीं था। और तो और, उस घर का जो केयर टेकर था वो अंधेरा होने से पहले ही अपने घर चला जाता था। एक शाम जब मैं हॉल रूम में बैठा हुआ था, तभी उस घर का केयर टेकर, जिसका नाम फिरोज था, वो मेरे पास आकर बोला, साहब अब मैं चलता हूँ, आपका खाना बनाकर रख दिया है, खा लीजिएगा। जिस पर मैंने कहा, एक मिनट फिरोज, जरा बैठे तो, तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर फिरोज मेरे सामने वाले सोफे में बैठ गया। तब मैंने पूछा, अच्छा इस घर के बगान में कब्र किसका है, क्योंकि कब्र तो कब्रिस्तान में होते हैं ना। इस पर फिरोज बोला, अच्छा वो कब्र, साहब वो मेम साहब का कब्र है जो इस घर की मालकिन थी। उनको इस घर से बहुत लगाव था, इसलिए उनकी कब्र को वहीं पर दफना दिया गया। फिरोज के इतना बोलते बोलते ही मेरी नजर हॉल रूम के दीवार पर लगे एक बड़े से सफेद पर्दे पर गई, जो शायद किसी चीज को वहां पर ढकने के लिए लगाया गया था। उस पर्दे को देखकर मैंने फिरोज से दोबारा पूछा, ये क्या है फिरोज, क्या ढका हुआ है इसके पीछे। इस पर फिरोज बोला, इस पर्दे के पीछे उसी मेम साहब की फोटो है। तो मैंने बोला, पर ये ढका हुआ क्यों है। फिरोज बोला, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, सुनिए। आगे फिरोज ने बताना शुरू किया, आज से करीब 6 साल पहले इस घर की मालकिन यहीं रहा करती थी। मालकिन बहुत खूबसूरत थी और उनके पीछे हर वक्त लड़कों का हुजूम लगा रहता था। मगर मालकिन को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। ऐसी ही एक रात जब मालकिन
इसी घर के एक कमरे में सो रही थी। तभी पता नहीं कैसे उनके कमरे में एक लड़का आ गया और उनके चेहरे पर तेजाब छिड़क कर उनका पूरा चेहरा जला दिया। जब मालकिन ने उठकर अपने आप को शीशे में देखा तब वो अपने इस चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने इसी घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। तभी से उनकी ये तस्वीर शापित हो गई है। जो भी इस तस्वीर को देखता है उसके साथ बहुत बुरा होता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली जाती है। फिरोज की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा, तो फिर इस तस्वीर को यहाँ से हटा क्यों नहीं देते? तो इस पर फिरोज बोला, आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? हमने इस तस्वीर को हटाने से लेकर जलाने तक सब कुछ करके देख लिया मगर कोई फायदा नहीं है। खैर अब मैं चलता हूँ साहब, घर पर बीवी अकेली होगी। इतना बोलकर फिरोज वहां से चला गया। फिरोज के जाते ही मैंने भी दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर चल दिया। अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। घड़ी में वक्त देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। फिरोज की सारी बातों को एक बार फिर से सोचने के बाद मैंने मन ही मन में कहा, ना ना, अभी के वक्त में ऐसी थोड़ी कुछ होता होगा, ये सब फालतू बात है, मनगढ़ंत कहानियां सुनकर मैं नहीं डरने वाला। कुछ वक्त और बीता जिसके बाद तकरीबन रात के 9 बजे तक मैंने खाना खा लिया और घर के सारी खिड़की दरवाजों को एकाएक बंद करने लगा। सभी खिड़कियों को बंद करते करते मैं जब उस खिड़की के पास पहुंचा जहां से बगान में बना वो कब्र दिखता था, तभी उस खिड़की को बंद करते वक्त मुझे उसी कब्र के ऊपर कोई बैठा हुआ दिखा। हालांकि उस कब्र के पास लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी मगर चांद की मध्यम रोशनी में मैं किसी लड़की को उस कब्र के ऊपर साफ तौर पर देख पा रहा था। पहली बार तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंखों को मसल कर दोबारा देखा तो अब उस कब्र के ऊपर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। यही सोचकर मैंने उस आखिरी खिड़की को भी बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गया। मगर अभी भी मेरे दिमाग में फिरोज की कहानी ही घूम रही थी। उसकी कहानी सोच सोच कर मैं सो भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरा दिमाग मेरे वश में ही ना हो। यही सब सोचते सोचते रात के 11 बज गए मगर मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। तभी मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना उस तस्वीर को पर्दा हटाकर देखा जाए। वैसे भी भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती है, आखिर एक तस्वीर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। यही सोचकर मैं पलंग पर से नीचे उतरा और कमरे का दरवाजा खोलकर हॉल रूम में दाखिल हुआ। वहां से मैंने एक दफा उस तस्वीर को देखा और आगे बढ़ने लगा। अभी मैं उस तस्वीर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उस घर की लाइट चली गई, जिससे घर के अंदर पूरा अंधेरा छा गया। मैंने जैसे तैसे अंदाजा लगाकर उस लालटेन को ढूंढा जिसे मैं लाइट जाने के बाद यूज करता था। जैसे तैसे मैंने उस लालटेन को जलाया और उस तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे थोड़ी घबराहट तो हो रही थी मगर फिर भी मैंने उस तस्वीर के ऊपर से पर्दा हटाया। वो किसी लड़की की तस्वीर थी, हालांकि फ्रेम के ऊपर काफी धूल जम जाने की वजह से वो तस्वीर अच्छे से दिख नहीं रही थी, जिस वजह से मैंने उसी पर्दे से उस तस्वीर को अच्छे से पोंछा। उस तस्वीर के ऊपर की धूल को अच्छे से हटाने के बाद जब मैंने लालटेन को उस तस्वीर के पास ले जाकर अच्छे से देखा तो पाया कि वो एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर है। तस्वीर में ही उस लड़की का चेहरा आग की तरह चमक रहा था।
आंखें ऐसी थी जैसे असलियत में हो। आखिर इतनी खूबसूरत तस्वीर शापित कैसे हो सकती है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी बाहर बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हवाएं इतनी तेज थी कि सभी खिड़की दरवाजे बंद होने के बावजूद भी उन तूफानी हवाओं की आवाज मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही मौसम इतना कैसे बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आसमान बिल्कुल साफ था। अभी मैं वहां खड़े खड़े उन बंद कांच की खिड़कियों से बाहर देख ही रहा था कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ घर का मेन दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मगर ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, फिरोज के जाने के बाद मैंने दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया था, तो फिर अपने आप ही दरवाजा कैसे खुल गया? मन में उमड़ते इन्हीं सवालों को लेकर अभी मैं दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी एक आवाज ने मेरे बढ़ते कदमों को रुकने पर मजबूर कर दिया। वो आवाज किसी लड़की की थी जो शायद जोर जोर से हंसे जा रही थी। उस आवाज को सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि ऐसी खतरनाक आवाज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, तभी मैंने देखा कि कोई लड़की उस खुले हुए दरवाजे पर से होते हुए बाहर से घर के अंदर आ रही है। उस लड़की का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। उसकी दोनों आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरा पूरा जला हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा फिरोज ने मुझे बताया था। वो लड़की जोर जोर से हंसते हुए मुझे देखे जा रही थी। उसकी हंसी में एक अलग किस्म का डर था जो शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है। अभी मैं वहां खड़े खड़े डर से कांप ही रहा था कि तभी मेरे दोनों पैर अपने आप ही चलने लगे और चलते हुए उस औरत के पास जाने लगे। मैं अपने पैरों को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने एक दो बार जोर से चीखना भी चाहा, मगर मैं ऐसा कर नहीं पाया। उस वक्त मेरा शरीर मेरे बस में नहीं था, बल्कि उस लड़की के बस में था जो मुझे किसी पुतले की तरह इधर से उधर नचाए जा रही थी। डर और घबराहट अब मेरे सर पर चढ़ चुका था। मैं अपना होश खोने लगा था और तभी मेरा पैर किसी भारी भरकम चीज से जा टकराया और संतुलन बिगड़ने की वजह से मैं जमीन पर गिर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर गोद में लिए फिरोज मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। मैंने उठकर फिरोज को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर फिरोज बोला, साहब आपको मैंने मना किया था ना, फिर आप क्यों देखने गए उस तस्वीर को? वो तो अच्छा हुआ आपके बगल में लालटेन जला हुआ था, वरना पता नहीं क्या होता। ये सुनकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना और उसी दिन से मैंने वो डाक बंगला हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मगर ये सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस रात मेरे हाथों में लालटेन ना होता तो क्या होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।